वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर फाइव है, एक्सरसाइज 19। चैप्टर फाइव का इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो है मैं बहुत पहले ही बना चुका था और फिर बीच में दूसरे सब्जेक्ट्स का वीडियो बनाने में इसको मैंने रोक दिया था। तो अब मैं जो यहाँ बचा हुआ है इसको मैं कम्प्लीट कर देना चाहता हूँ। तो एक्सरसाइज 19 को हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए कहा गया है, तो इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया है इंट्रोड्यूसिंग वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। उसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो आपको आसानी से समझ में आएगा, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालने का मतलब होता है कि ये किस किस नंबर से कट रहा है, किस किस के टेबल में ये नंबर आता है। तो आइए मैं बतला के दिखा देता हूँ। पेपर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ले लेते हैं, 1, और इसमें ए दिया हुआ है, ए का 8 दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8। ये हो गया यहाँ पे ए नंबर में फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 कौन कौन से टेबल से कटता है, सबसे पहले हो जाएगा 1, और लास्ट में जो होता है वो खुद होता है। तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, ये 4 में आता है, 4 के टेबल में आ जाएगा 4, और फिर लास्ट में आ जाएगा 8। ये हो गया। उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स ऑफ 15। तो ये किस किस टेबल में आता है, 1 में आएगा, 2 में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3, 4 में आने वाला नहीं है, 5 के टेबल में आएगा, 5 3 जो 15 होता है, ये हो गया, और लास्ट में फिर 15 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद सी नंबर में 24 दिया हुआ है, फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 में ज़्यादा फैक्टर होता है, 1 से शुरू होगा, 1, 2 के टेबल में आता है, 2 से कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, 3 8 जा, और 4 6 जा, 24 हो गया, तो 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटने वाला है, तो 4 6 जा, तो ये 6 से कट गया, और ये दोनों मैच कर गया। इसके बाद यहाँ पे 3 से, तो 3 से कितने बार में गया था, 8 बार में, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 8, और फिर 2 से कितने बार में गया था, तो 2 से गया था 12, 2 जा 24 होता है, 12 से, उसके बाद 1 से, फिर 24 हो गया। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ ये इस तरह से मैच करता है, जैसे 6 4 जा 24 हो गया, ये इस तरह से, आपको ऐसा करना नहीं है, सिर्फ मैं बता देता हूँ, ये ऐसे हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा, तो ये 24 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये फिर 24 आएगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 24 आएगा। इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से सारा फैक्टर्स जो है निकल जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। उसके बाद डी नंबर में यहाँ पे लेते हैं, डी नंबर में दिया हुआ है 36, फैक्टर्स ऑफ 36। तो इसका 1 से शुरू होगा, 1, 2 से ये कटेगा ही, 2, उसके बाद 3 से, 6 3 9 होता है, इसका मतलब 3 से कटेगा ही, 4 से भी कटता है, ये 4 9 जा 36 हो गया, तो यहाँ 4 ले लेते हैं, तो 5 से ये कटने वाला नहीं है, उसके बाद ये 6 से कटेगा, तो 6 का इस तरह का मैच यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 6 जा होता है, तो 6 से 6 बार में ही 36 आता है, तो ये इसी के साथ मैच हो गया। अब इससे कितने बार में कटा था, ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 4 से ये कितने बार में कटा था, तो 4 से कटा था 9, 4 9 जा हो गया, तो 9 से 9 लिख लेते हैं, 9 इसका ये मैच हो गया। अब इसके साथ तो 12 3 जा 36, तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ तो 18 2 जा 36 होता है, 18 2 36, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से तो आ गया, तो फिर 36 आ जाएगा, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद डी नंबर, ई नंबर में दिया 54, फैक्टर्स ऑफ 54। ये तो यहाँ भी 1 से शुरू होगा, 1, 2 से कटेगा, क्योंकि ये वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 2, और फिर 3 से, 5 4 9 हो गया, तो 3 से कट रहा है, 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4, और यहाँ पे बच गया 1, 14 हो गया, 14 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 6 9 जा 54 होता है, तो 6 से कट रहा है, 7 से कटने वाला नहीं है, 7 8 जा 56 होता है, तो 7 से नहीं, 8 से भी नहीं कटने वाला है, और 9 से कटेगा, 6 9 जा, तो ये मैच कर गया, 6 9 जा। अब 3 से कितने बार में कटा था, तो उसको ले लेंगे, 3 से ये 18 बार में कट रहा है, तो 18 ले लेते हैं, 18 से कट गया। उसके बाद 2 से कितने बार में कटा, तो ये 50 मान लेते हैं, 50 है, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25 25, तो 26 गए तो 52 हो गया, और 27 गए तो 54 हो गया, तो मतलब 27 बार में ये 27 2 जा 54 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में 1, तो 54 से ही जाएगा 54। और इस तरह से यहाँ पे फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं।
यहाँ पे टू में क्या कह रहा है, इज ट्वेल्व ए फैक्टर ऑफ इतना, इतना का ये फैक्टर ट्वेल्व है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ट्वेल्व से ये कटता है कि नहीं, तो ट्वेल्व से हमको डिवाइड करके नहीं देखना है, हमको पता करना है। इसी तरह से टू नंबर ले लेते हैं और ट्वेल्व से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, ट्वेल्व का दो फैक्टर ले लेते हैं। तो ट्वेल्व का दो फैक्टर, इस प्रकार का फैक्टर लेते हैं, थ्री इंटू फोर, ये थ्री फोर जो ट्वेल्व हो गया, और ये दोनों नंबर जो है इसका कॉमन फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो सिर्फ वन आएगा। ऐसे ही नंबर लेना है, इसका दो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है को प्राइम नंबर। ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इसीलिए ये नंबर लिया जाता है। अगर इन दोनों से ये जो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों से ये नंबर कट जाता है, तो समझना है कि ट्वेल्व से भी कट जाता है। तो ये नंबर हम ले लेते हैं, फाइव सिक्स थ्री सिक्स। तो क्या ये थ्री से डिविजिबल है, पहले थ्री से हम लोग देख लेते हैं। तो थ्री से डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग इस तरह से पता करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, फाइव सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, फाइव सिक्स एलेवन हो गया, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हो गया, फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी हो जा रहा है, ट्वेंटी। और ट्वेंटी जो है वो थ्री से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो है थ्री से डिविजिबल नहीं है, और फोर से डिविजिबल तो है, लेकिन थ्री और फोर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये ट्वेल्व से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये ट्वेल्व से डिविजिबल नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं, 5636 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ, इसका चार मल्टीपल्स लिखना है जो सबसे पहले मिलता है। तो मल्टीपल्स लिखने के लिए इसका टेबल लिखना पड़ता है, शुरू से इसका टेबल लिखना है। तो ये काफ़ी ईजी है, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए नंबर का मल्टीपल्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ फाइव। तो फाइव का टेबल लिख लेते हैं, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी। फोर मल्टीपल्स लिखने के लिए कहा गया है, तो ये जो है फोर तक ये इतना ही होगा, फाइव फोर या ट्वेंटी। तो यहाँ बी नंबर में इसको एक्चुअली फोर मल्टीपल्स लिखना होगा, फोर मल्टीपल्स, फोर मल्टीपल्स ऑफ, तो यहाँ पे भी फोर मल्टीपल्स हो जाएगा, फोर मल्टीपल्स ऑफ सेवन दिया हुआ है, तो सेवन का टेबल फोर बार लिख देंगे, सेवन टू या फोर्टीन ट्वेंटी एट, इतना हो गया। उसके बाद सी नंबर में फोर मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गया, तो ट्वेल्व का टेबल लिख लेते हैं, ये हो गया ट्वेल्व का टेबल। उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है, डी नंबर फोर मल्टीपल्स ऑफ सेवनटीन, सेवनटीन का टेबल यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया सेवनटीन का मल्टीपल्स। और ई नंबर में दिया हुआ है फोर मल्टीपल्स ऑफ ट्वेंटी, तो ट्वेंटी का टेबल लिख लेते हैं, ये हो गया ट्वेंटी का फोर मल्टीपल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसको पेपर पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, तो डिविजिबल बाय टू, टू का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, वंस प्लेस पे जीरो या इवेंट नंबर होना चाहिए, वंस प्लेस पे जीरो या इवेंट नंबर होना चाहिए। तो कहाँ पे हम लोग देखते हैं, वंस प्लेस पे इवेंट नंबर फाइव यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नंबर नहीं है, ये है 48। तो इसका आंसर में आ जाएगा 48, सबसे पहला नंबर हो गया, ये डिविजिबल है। 83 टू से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके वंस प्लेस पे इवेंट नंबर है, इसका मतलब ये आएगा 104। उसके बाद 217 आ रहा है इसके वंस प्लेस पे, तो ये ऑड नंबर है, यहाँ पे वंस प्लेस पे टू आ रहा है, ये इवेंट नंबर है, तो इसके आंसर में 322 आ जाएगा। और लास्ट में ये वंस प्लेस पे जीरो है, तो ये भी आएगा, तो 500 ये भी टू से डिविजिबल है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल फाइव, तो फाइव से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि वंस प्लेस पे जीरो हो या फिर फाइव हो। तो वंस प्लेस पे जीरो यहाँ हम देख रहे हैं 20 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। और यहाँ पे थ्री है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे वंस प्लेस पे फाइव है तो यहाँ 35,
ये हो जाएगा, उसके बाद वंस प्लस पे नाइन ये नहीं होगा, वंस प्लस पे सेवन ये भी नहीं होगा, वंस प्लस पे जीरो तो ये हो जाएगा 9230। ये इसका आंसर हो गया, 5 से ये नंबर डिविजिबल है। और क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं, 2 to 4 तो ये नंबर नहीं आएगा, 4 3 का टेबल में नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे 4 to 6 हो गया, 4 to 6 तो 6 तो 3 का टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि 42 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 8 8 16 हो गया, तो 16 3 का टेबल में नहीं आता है। और यहाँ पे 5 1 6 हो गया, तो 6 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 105 ये हो जाएगा। उसके बाद 2 16 मतलब 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, तो 9 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 2 16 आंसर होगा, 3 से डिविजिबल है ये। और ये 7 और 1 8 हो गया, 8 9 10 11 11 और 9 तो यहाँ हो गया 20, तो 20 3 का टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं होगा, ये तीन नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में बोल रहा है कि 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो 9 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम लोग जैसे 3 में पता करते हैं ऐड करके, उसी तरह से इसमें भी पता किया जाता है। तो 8 to 10 हो गया, 10 9 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं होगा, तो 3 और 1 3 1 4 हो गया, तो 4 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 9 और 2 11 11 और 7 18 हो गया, 18 9 का टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये 279 जो है वो 9 से डिविजिबल है। और यहाँ पे 4 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 7 2 9 हो गया, 9 और 6 3 9 9 9 18 हो गया, तो इसमें भी 18 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 9 से डिविजिबल है। 7 0 2 3 0 6 तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8 नंबर में 4 और 8, 4 से कौन सा डिविजिबल है और 8 से कौन सा डिविजिबल है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, इसको पेपर पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पेपर ले लेते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 4 से डिविजिबल कौन कौन है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं इसको, 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिविजिबल पता करने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो रहता है वो 4 से डिविजिबल होने पर पता चलता है कि वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट में देखते हैं, यहाँ 4 है और ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है, और ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में 7 आ रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 4 1 4, यहाँ 4 निकल गया तो 3 बच गया, तो 30 जो है 4 का टेबल में नहीं आता है। और यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 का टेबल से ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं। और जिसके लास्ट प्लेस पे 1 और 10th प्लेस पे 2 0 हो तो वो 4 से डिविजिबल होता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे जितने भी नंबर को टिक लगाया मैंने, ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल को इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, डिविजिबल यहाँ पे हो जाएगा 3104 ये हो गया, और 3 16, और उसके बाद हो गया 6640 और 3900, ये 4 से डिविजिबल है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है डिविजिबल बाय 8, तो 8 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पता कर लेते हैं 8 से कौन सा डिविजिबल है। तो यहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो 8 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 10 4 है यहाँ पे, तो 8 1 8 यहाँ पे निकल गया, तो 8 निकल गया, यहाँ 2 4 24 बच गया, तो 8 3 24, इसका मतलब है कि ये 8 से डिविजिबल है। और यहाँ पे 20 हो रहा है, तो 8 2 16 होता है, और यहाँ पे बच गया 4, तो 45, तो 45 8 के टेबल में आता नहीं है। और यहाँ पे 3 16, तो यहाँ पे 8 3 24 हो गया, तो 24 यहाँ 7 बच गया, 76, तो 8 9 72 होता है, 76 नहीं आता है, तो ये कटने वाला नहीं 8 से। और ये जो है 8 1 8, तो यहाँ पे 1 बच गया, फिर 8 2 8 1 8 फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 8 निकल गया, तो 2 बच गया, 27, तो 27 8 का टेबल में आता नहीं है। और यहाँ पे 8 1 8 हो गया, 8 निकल गया, तो यहाँ पे 70, तो यहाँ पे 70 भी 8 का टेबल में नहीं आता है। और यहाँ से लेते हैं तो 8 8 64, ये कट गया, तो 0 रह जाएगा, इसका मतलब है कि ये कट रहा है, तो ये 8 से कट रहा है। और लास्ट 2 0 जब रहता है तो वो 4 से डिविजिबल होता है, लास्ट 3 0 अगर रहे
तो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसमें तीन जीरो तो है नहीं, इसीलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला ये दोनों 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 से डिविजिबल है ये नंबर हो गया और ये हो गया 40, ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है, तो ये इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि इज़ 14 ए फैक्टर ऑफ 42 एंड 112, क्या 14 42 और 112 का फैक्टर है। इज़ 14 ए फैक्टर ऑफ, ये दोनों को प्लस कर दिया गया है 112 और 42, और ये दोनों ही, ये दोनों का जो है 14 फैक्टर है, और फिर एक बार माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 14 इन दोनों का फैक्टर है तो यहाँ पे भी इन दोनों का प्लस और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका भी फैक्टर 14 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको, ये कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो 14 किसका फैक्टर है कैसे पता चलेगा। तो 14 जो है उसका एक को प्राइम नंबर ले लेते हैं जिसमें से 2 हो जाएगा, 2 × 7, इस तरह का इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आएगा। तो इस तरह से ये को प्राइम नंबर है, तो जो नंबर दिया हुआ है अगर इन दोनों नंबर से वो कट जाता है तो इसका मतलब है कि 14 से भी वो कट जाएगा, इसका मतलब 14 उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 42 एंड 112, 2 एंड 7, तो इसीलिए 14 इज फैक्टर ऑफ 42 एंड 112, 14 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है उसमें ऐड किया हुआ है इन दोनों को, तो 14 जो है उसका भी फैक्टर हो जाएगा। जो नंबर आएगा 14 इज प्लस कर दिया गया पहले 42, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा 154, एंड एक बार माइनस कर दिया गया -42 = 70, तो इसको माइनस करने से 70 आ जा रहा है। तो ये दोनों नंबर का 14 जो है वो फैक्टर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे क्या कह रहा है, इज 54 डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ये 54 जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है ही, यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, और 3 से इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4, 5, 9 होता है, और 9, 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि 2, 3 दोनों से ये डिविजिबल है। इज़ इट डिविजिबल बाय 6, क्या यह 6 से डिविजिबल है। तो जो नंबर जो है 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2, 3 6 का फैक्टर है, इसीलिए जो 2, 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे लिखते हैं यस 54 इज, यहाँ पे लिखते हैं यस 54 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है इज इट डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ भी लिखेंगे यस, यस इट इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में ये 2, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में 11 से डिविजिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, ये जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है। तो ए नंबर में सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे पता करने के लिए इसको क्या किया जाता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, ओड प्लेस पे जो नंबर है उसको पहले ऐड कर दिया जाता है। तो ओड प्लेस का नंबर जो है उस पे टिक लगा देते हैं, यहाँ यहाँ और फिर 7 पे और फिर 5 पे, तो इसको ऐड कर लेते हैं 6 + 4 + 7 + 5,
ये हो गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 10 17 हो गया, 17 और 2 17 और 3 तो ये 20 हो गया, और 2 22 हो गया, ये 22 इसको ऐड करने पर आ गया। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, प्लेसेस नंबर तो ये जो है इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर लेते हैं, 5 4, तो 5 प्लस 4 प्लस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 0 है तो इसको नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 तो यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, 9 टू 11 11। अब इसको करेंगे डिफरेंस, मतलब इसको आपस में माइनस कर देंगे, आपस में माइनस करने पर 22 माइनस 11 तो इसका आंसर हो गया 11। तो 11 जो होता है वो 11 के टेबल में आता है, इसीलिए ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इतना इज डिविजिबल बाय 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये डिविजिबल है और इसका बी नंबर में फिर दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है 8 1 4 8 5 1 2। तो यहाँ पे ओड प्लेस पे सबसे पहले टिक लगा देते हैं, ये ओड प्लेस है, और यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8, तो इसको जोड़ने से कितना हो गया, 7 हो गया, 7 4 11 11 और 8 19 हो गया, 19 सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर इक्वल टू 1 8 1 1 प्लस 8 प्लस 1 10 हो गया, इसको ऐड करने से 10 हो गया। और डिफरेंस इसका लेते हैं, डिफरेंस इक्वल टू 19 माइनस 10, तो 19 में 10 निकल गया, तो यहाँ पे आ गया 9। तो 9 जो होता है वो 11 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो दिया हुआ है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 ये हो गया, ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है सी नंबर, सी नंबर में 4, तो यहाँ पे ओड प्लेस पे इसको टिक लगा लेते हैं, ये ओड प्लेस पे टिक लगा लिए। अब इसको लिख लेते हैं उसी प्रकार से, सम ऑफ ओड प्लेस इस नंबर, यहाँ टिक लगा 4 3 1, 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो गया 7 8 और 6 14 हो गया, 14। अब यहाँ पे सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर इक्वल टू, तो 0 फर्स्ट में दिया हुआ है, 0 की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐड करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो 6 प्लस 7 प्लस 1 13 और 1 14 हो गया, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो डिफरेंस करते हैं इसको, इक्वल टू 14 माइनस 14 इक्वल टू आ गया 0। तो 0 जिसमें आता है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 16 7 1 11, ये हो गया, ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज 19 पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।